Hey guys, do subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so you get notified whenever I upload a video. Welcome back to my channel. आज मैं आप लोगों के साथ चिकन शामी कबाब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ. उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए 250 ग्राम्स ऑफ चिकन. उसमें ऐड करेंगे 1 कप ऑफ सोक्ड चना दाल. इसको मैंने ओवरनाइट सोक किया है. फिर उसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑफ धनिया पाउडर. फिर 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे. हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर. वन टीस्पून मिर्ची पाउडर डालेंगे. 6 से 7 गार्लिक चॉप किया हुआ. सात से आठ हरी मिर्चें ग्रीन चिलीज. और 2 इंच अदरक कट करके में डाल देंगे. और नमक स्वाद अनुसार. अब ये पूरे मिक्सचर को हम लोग प्रेशर कुकर में डाल के और इसमें पानी ऐड करना है. पानी उतना ऐड करना है जब तक चने की दाल उसमें भीग ना जाए. बस उतना ही पानी ऐड करना है और प्रेशर कुकर का लिड लगा के 3 सीटी ले लेना है. अब 3 सीटी लेने के बाद हमारा मिक्सचर कुछ इस तरह से कुक हो जाएगा. इसको हम लोग ग्राइंड कर लेंगे. ग्राइंड करने के बाद ये इस तरह पेस्ट पाउडर फॉर्म में आ जाएगा. हम लोग इसमें सीख मसाला डालेंगे और मिक्स करेंगे अच्छे से. को प्रॉपरली मिक्स करना है ताकि सीख मसाला हर जगह प्रॉपरली लग जाए. अब इसमें चॉप्ड प्याज कोथमीर और पुदीना चॉप करके इसमें ऐड करेंगे. और 1 कप ऑफ ब्रेड क्रम्स डालेंगे इसमें और इसे अच्छे से मिक्स करके लेंगे. मिक्स होने के बाद हम छोटे छोटे पोर्शन लेंगे और उसे राउंड राउंड बनाएंगे अच्छे से शेप देकर. अब मैंने इसे पूरा तैयार कर लिया है शेप देके. अब मैं इसे एग में डिप करूँगी और पैन में ऑयल डाल के इसे हम लोग फ्राई कर देंगे. इसे पलट के अच्छे से फ्राई करना है दोनों साइड से.
ये देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो गए। अब हम इसे सर्व कर देंगे। ये रहा हमारा फाइनल लुक चिकन शामी कबाब का। ट्राई करिए एंड एंजॉय इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।